नमस्ते साथियों, आशा की बगिया चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ये हमने 15 फरवरी को प्याज लगाई थी यहाँ पर। आज 21 मार्च है तो एक महीने से 5 दिन ये ऊपर हो गई है। तो देखिए आप, ये कितनी अच्छे से ये चल रही है और हमने किस तरह से लगाई थी पहले आप ये देखिएगा। साथियों, आप जो यह क्यारी देख रहे हैं, यहाँ हमने राजगीरा लगाया था लेकिन राजगीरा अच्छे से नहीं हुआ, तो जो खाली जगह थी तो वहाँ पर हम प्याज लगा रहे हैं। तो आप ये ज़मीन देख रहे हैं कि इसमें खरपतवार भी हैं और ऊपर से हमने जो बरसाती घास होती है उसकी हमने मल्चिंग कर दी है सबसे पहले। ये आप देख रहे हैं, सारे में घास की मल्चिंग हो रखी है, पूरी जितनी भी क्यारी थी सब में मल्चिंग है। इसके बाद अब हम यहाँ पर प्याज लगाएंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि यहाँ मल्चिंग के भीतर हमने प्याज लगा दिए हैं। आप और थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आगे आप लगाते हुए भी देखेंगे। और ये राजगीरा के पौधे देख रहे हैं बीच बीच में, उनको हमने छोड़ दिया है और जहाँ खाली जगह थी वहाँ पर हमने प्याज लगा दिया है। ये देखिए, चाकू की मदद से ज़मीन को थोड़ा खोद के और वहाँ हम प्याज लगा रहे हैं। ये देखिए, देखते हैं आगे चल के हमें इसके क्या परिणाम मिलते हैं। आप लगातार वीडियो देखते रहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खरपतवार भी निकल रहे हैं, मल्चिंग के बावजूद भी खरपतवार हैं। ये देखिए, लेकिन प्याज अच्छी हो रही है। ये देखिए आगे तक, और इधर लहसुन है, आप उधर लहसुन देख रहे हैं। इसमें हमने 2 बार गौ कृपा अमृतम दे दिया है, लहसुन प्याज दोनों में। तो गौ कृपा अमृतम का काफी असर लहसुन पे आया है, पहले से काफी बेहतर हो गया है। ये देखिए लहसुन, तो इसमें खरपतवार भी काफी आ रहे हैं, तो वो हम आगे देखेंगे आगे क्या करना है, लेकिन प्याज बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखिए, बहुत ही शानदार प्याज चल रही है। ये देखिए, कहा जाता है साथियों प्याज के लिए कि 70 खोद 72 पानी, खूब हुई प्याज मस्तानी। तो साथियों, 70 खोद जो है वो तो केंचुआ का काम है, तो कितना ये यहाँ पर केंचुआ खोद लगा पाते हैं, क्या होता है ये आगे पता चलेगा। और पानी तो अपना है ही, ऊपर से मल्चिंग रहती है तो पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे इसमें क्या परिणाम होते हैं, क्या कुछ करना पड़ रहा है इसमें, वो सब आप वीडियो देखते रहिएगा। और इधर आप देख रहे हैं ये मेथी, तो ये काफ़ी बढ़ गई है। इसमें भी 2 बार गौ कृपा अमृतम दे दिया मैंने, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई, फलियाँ अच्छी बहुत बेहतरीन इस पे फलियाँ आ रही हैं। तो ये इधर उधर ये लुढ़क गई है, ये देखिए ये लुढ़की पड़ी, तो वजन इसमें अब बढ़ रहा है प्याज में, मेरे घुटने मेथी में, और मेरे घुटने से भी ऊपर ये मेथी आ रही है। ये देखिए बहुत ऊपर आ गई है, बड़ी बड़ी काफी हुई है। तो आप देखते रहिएगा। धन्यवाद साथियों।